हेलो दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरदीप यादव में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आप सभी साथी कैसे हैं, एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। और जितने भी साथी अभी तक सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, सभी साथी कृपया करके सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। सभी जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। सेशन हमारा डेली चल रहा है, शाम 8 बजे भाई साहब पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ। यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आप सभी साथियों के। जो भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए थे पॉलिटी के, सभी पर चर्चा करता हूँ बारी बारी में। किसी को कोई समस्या हो तो बता दिया करना, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, चल फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए शानदार तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूँ विशा, आज जो हमारा स्काई एडुकॉम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो हमारा क्विज वाला जो सेशन चलने वाला था, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो सेशन आज नहीं चल पाया। तो कल सेशन वो जरूर चलेगा, सभी साथी उस सेशन में जरूर ज्वाइन करें। सभी साथियों के पास शेयर कर देना कल का सेशन, ठीक है? 4:30 बजे मुलाकात होगी आप सभी साथियों से, ठीक है? तो आना ना भूलें लाइव, ठीक है? आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, देश के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, जल्दी से कर दीजिए। सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन ए दे रखा है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी संविधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी सी दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है निजता का अधिकार। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, क्या करेंगे सभी साथी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी जितने भी साथी अभी तक सेशन में आ चुके हैं भाई साहब, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी जगह एक बार शेयर कर दो सेशन को, सभी जगह शेयर कर दीजिए सभी जगह। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी साथी मेरे, सभी साथी मारे आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। संविधान के किस आर्टिकल में भाई साहब संविधान उपचारों का अधिकार भाई साहब बात की गई है? अनुच्छेद 32 में। इस भाई साहब अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है संविधान की, क्या कहा है भाई साहब? आत्मा कहा है भाई साहब, आत्मा कहा है। क्लियर? यहाँ तक सभी साथी क्लियर हैं तो एक बार थम कर दीजिए, सभी साथी थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए सेशन को, आगे बढ़ाया जाए। आप भी सेशन को शेयर कर दीजिए सभी जगह, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो आज का है, आपकी स्क्रीन पर शो होने लगा है। सभी साथी एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए, पहले कंडीशन एक बार देख ले रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन आपको शो करा दूंगा। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? अब कंडीशन पी दे रखा है, कंडीशन पी क्या दे रखा है अभी साहब? केंद्र या राज्य में शासक दल का कोई भी मंत्री चुनाव अभियान के कार्य के साथ अपनी आधिकारिक यात्रा को नहीं जोड़ेगा। कंडीशन बी दे पी क्यू दे रखी है, मतदान समाप्त के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी मंत्री क्या कह रहा है, स्वनिर्णय गत फंडों में से अनुदान भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकता है। ऑप्शन ए है केवल पी, ऑप्शन बी है ना तो पी ना ही क्यू, ऑप्शन सी है क्यू, ऑप्शन डी है पी और क्यू दोनों। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे सभी साथी, जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर। सभी साथी आंसर जल्दी से करिए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से सभी साथी आंसर करिए। सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। और जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भाई साहब, लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? करिए आंसर सभी साथी, जल्दी से आंसर करिए इसका। जल्दी से करिए भाई साहब, जल्दी से।
जल्दी से करिए। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी सही साथी सभी सही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, केवल पी बात सही है हमारी, केवल बी पी बात हमारी सही है। ठीक है, क्लियर। एक बात हम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। आंसर करिए सभी साथी इसका जल्दी से। किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्य कंडीशन पी है, राज्य क्यू है केंद्र, ऑप्शन ए है केवल क्यू, ऑप्शन बी केवल पी, ऑप्शन सी है ना तो पी ना ही क्यू। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे जल्दी से कर दीजिए। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करेंगे, सभी साथी इसका आंसर जल्दी से करेंगे। क्या आंसर इसका आप करेंगे जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी आंसर करिए। और ये बात भाई साहब नाम बदलने की किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल कौन सा है बता सकते हैं आप? क्या आप सभी साथी आर्टिकल बता सकते हैं, आर्टिकल कौन से में बात की गई है? अनुच्छेद तीन, बिल्कुल सही भाई साहब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के अनुसार किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया राज्य और केंद्र दोनों द्वारा शुरू की जा सकती है, दोनों द्वारा। तो ऑप्शन भाई साहब कौन सा होगा? ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। सभी साथी बातों को समझ पा रहे हैं, किसी को कोई समस्या तो ना आ रही? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? पी दे रखा है संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। क्या भाई साहब राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? पी है संसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ना तो पी ना ही क्यू, दोनों पी और क्यू, केवल सी ऑप्शन दे रखा है और केवल पी, ऑप्शन डी केवल क्यू। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? सभी साथी आंसर इसका जल्दी से कर दीजिए, सभी साथी इसका आंसर करेंगे, सभी साथी आंसर करें, सभी साथी इसका। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, कौन सा आंसर करेंगे? बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद में बात की गई है भाई साहब? संयुक्त बैठन का प्रावधान किस में अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में बात कही गई है, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, क्लियर क्लियर है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से निम्न में से किनका उल्लेख किया गया है? कंडीशन पी दे रखी, ऑप्शन नीचे हैं, देख ले रहे एक बार। पी दे रखी अंतर्राष्ट्रीय राज शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। क्यू है कुछ हाथों में धन के संकरण को रोकना, कंडीशन आ दे रखा है ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही, सभी साथी आंसर सही करेंगे बिल्कुल। ऑप्शन है केवल क्यू और आर, ऑप्शन बी है केवल पी और क्यू, ऑप्शन सी है पी क्यू आर सभी, ऑप्शन डी है पी और आर दोनों। आप आंसर क्या करेंगे सभी साथी इसका? सभी साथी आंसर कर दीजिए इसका, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर करिए सभी साथी सही आंसर, सभी साथी बिल्कुल सही करें। आंसर करिए सभी साथी आंसर करें इसका, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इनका आर्टिकल देख लीजिए, ये आर्टिकल किसमें बात की गई? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में। और कुछ हाथों में क्या भाई साहब? कुछ हाथों में धन संकरण को रोकना, अनुच्छेद किसमें बात की गई? अनुच्छेद 38। और ग्राम पंचायत गठन सबको पता है अनुच्छेद कितना है? 40। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा भाई साहब सी पी क्यू आर, सभी बातें बिल्कुल सही हैं, सभी बातें बिल्कुल सही हैं। बातें समझ में आ रही हैं सभी को? कोई समस्या तो ना आ रही? सेशन कैसा लग रहा है सभी साथियों को? शेयर कर दीजिए एक बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए एक बार, थम कर दीजिए सभी साथी भाई साहब। कल क्विज होगी रीजनिंग की, सभी साथी जरूर ज्वाइन करना। कल
पक्का होगी, आज नेटवर्क इशू था भाई साहब, मैं तो तैयार बैठा था, कुछ साथियों को मैंने फोटो भी भेजा था। ठीक है, कल मुलाकात होती है, शाम 4:30 बजे आना ना भूलें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए दे रखा है, एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और मैन और महान्यायवादी शामिल होते हैं। ऑप्शन बी, एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, निर्गामी मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद द्वारा, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? आप सभी साथी इसका आंसर सही कर पाएंगे? जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। आर्टिकल कौन सा है भाई साहब, किस आर्टिकल के तहत भाई साहब नियुक्त करता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 324 सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य निर्वाचन आयोग की क्या होती है, नियुक्त होती है भाई साहब, नियुक्त। ठीक है, क्लियर क्लियर, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और अन्य जो क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही है? किसके केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में पूछा है, आप आंसर इसका क्या करेंगे? कंडीशन पी दे रखा है भाई साहब, कंडीशन पी क्या दे रखा है, संसद में उपयुक्त कानून बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, दिया जा सकता है, और कंडीशन पी है, राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो है। ऑप्शन ये दे रखा है भाई साहब, कंडीशन पी और क्यू भाई साहब आपने पढ़ ली, ऑप्शन आप कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन है केवल पी, ऑप्शन बी ना तो पी और ना ही क्यू, ऑप्शन सी केवल क्यू, ऑप्शन डी है पी और क्यू दोनों। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, आंसर सही करें। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आपकी स्क्रीन पर होता है, शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7, आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, क्या करेंगे आंसर? बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही होंगे, केवल पी बात हमारी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में भाई साहब केंद्र शासित प्रदेशों का भाई प्रतिनिधित्व होता है भाई साहब, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ना भाई साहब, इनका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्लियर, तो केवल पी वाला सही होगा, केवल पी वाला ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से कर दीजिए, ऑप्शन ए है भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण, ऑप्शन बी सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे, ऑप्शन सी दे रखा है राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण, ऑप्शन डी दे रखा है सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करना। आप सभी साथी आंसर कौन सा ऑप्शन करेंगे, आंसर कौन सा आंसर टिक करेंगे, आंसर करिए सभी साथी। सभी साथी हमारे आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा, बाकी तीनों बातें हमारी सही हैं, ये कार्य नहीं है तो ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, राज्य विधानसभा में नगरीय भूमि में कोष्टक में लिखा है हक प्रमाणन विधेयक 2016 को पास करने वाला भारतीय पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे, कर पाएंगे सभी साथी? कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, आंसर कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल सही आना चाहिए। ऑप्शन भी कर दिया है सभी साथियों ने, ऑप्शन भी परम सत्य आंसर होगा, राजस्थान में भाई साहब, राजस्थान में ऑप्शन भी परम सत्य आंसर। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में पूछा, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? एक से इसमें भाई साहब एक से अधिक भी कथन सही हो सकते हैं, आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, आंसर सही करना।
ऑप्शन ए दे रखा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी, सदन के 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऑप्शन डी दे रखा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र तय की गई। कौन सी बातें सही हैं? इससे एक से अधिक भी बातें सही हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। आंसर कर दीजिए सभी साथी, आंसर कर दीजिए। इसका आंसर सभी साथियों का सही आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही। भाई साहब, ए भी कंडीशन सही है, ए भी बात हमारी सही है, और ऑप्शन डी वाली भी बात सही है। तो आंसर होगा ए एंड डी वाले, दो ऑप्शन इसमें सही हैं, दो बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। क्लियर? किसी को कोई समस्या तो ना है? बता देना भाई साहब, बता दे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित, क्या कह रहा है, क्या कह रहा भाई साहब? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मतलब उपराज्यपालों के राज्य स्तर पर वही अधिकार और कार्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के संघ स्तर पर होते हैं। कंडीशन पी दे रखी, एक राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और कंडीशन आर दे रखी, राज्यों राज्यपालों और उप राज्यपालों लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है, केवल क्यू। ऑप्शन बी, केवल पी और क्यू। ऑप्शन सी, पी और आर। ऑप्शन डी, पी क्यू आर तीनों। आप सभी साथी आंसर इसका क्या करेंगे, क्या करोगे भाई साहब? सेशन को शेयर ना कर रहे हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास, एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथी, सेशन को शेयर कर दीजिए। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बाकी सभी साथी हमारे गलत हैं। आर तो बिल्कुल गलत है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सीएम करता है। क्लियर? ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, सभी साथी आंसर कर दीजिए इसका जल्दी से। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? कंडीशन पी दे रखी है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राजसूची में दिए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। कंडीशन क्यू दे रखी है, राष्ट्रपति शासन के तहत किसी भी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशील हो रहता है। आप सभी साथी आंसर इसका क्या करेंगे, आप सभी साथी आंसर क्या करेंगे, क्या आंसर करेंगे इसका, जल्दी से कर दीजिए सभी साथी आंसर जल्दी से। सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, सभी का बिल्कुल आना चाहिए सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर, दोनों बातें सही हैं। सेशन का ये क्वेश्चन था लास्ट आज का। भाई साहब सेशन कैसा लगा, एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए। और कल भाई साहब मुलाकात होती है शाम 4:30 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई एडोकॉम पर, लाइव आना ना भूलें भाई साहब। भेजने कुछ रैंक चलेगा भाई साहब, जिसका पहला रैंक आएगा, सेकंड, थर्ड, जिनका भी रैंक आएगा सभी को अगली क्लास में उनके नाम और फोटो के साथ सम्मानित किया जाएगा। सभी साथी जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथियों को कल के सेशन में ज़रूर बुलाएं। फीडबैक सभी साथी दे देना, ऑफलाइन कमेंट करके बता देना। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बच्चों, महिलाओं, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना ये देश की आन बान शान है। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।